हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ये खूबसूरत सा मल्टीपर्पस क्रोशेट पैटर्न। इस पैटर्न से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पहले हम बेसिक नॉट बनाएंगे, फिर फोर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये फोर चेन बन गया। फिर हम यार्न ओवर करेंगे, फर्स्ट चेन के अंदर हुक को डालेंगे और एक बड़ा लूप निकालेंगे। ऐसे हम टोटल 3 टाइम बनाएंगे। 1 बना लिया है, फिर 2 एंड 3। 3 टाइम बन गया। सारे लूप को ऐसे लॉक कर लेंगे तो ये एक पफ बन गया है। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बना लिया। वर्क को टर्न करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और सेकेंड चेन के अंदर हुक को डालेंगे और यहाँ पे भी एक पफ बना लेंगे। ऐसे खींचेंगे और 3 टाइम, टोटल 3 टाइम ऐसे लूप निकालेंगे, 1 ये 2 एंड 3। सारे लूप को ऐसे लॉक कर लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। वर्क को टर्न करेंगे। अब हम फर्स्ट पफ की यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक पफ बनाएंगे, 1 2 3। फिर साड़ी को लॉक कर लेंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन। फिर 3 चेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इसे कंटिन्यू बनाते जाना है। ऐसे आपको कंटिन्यू बनाना है, ये खूबसूरत सा पैटर्न बन जाएगा। आप इससे हेयर बैंड बना सकते हैं।